ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इसमें दो मेरे फेवरेट सिंगर हैं, एक तो पापोन है और एक आपने आतिफ असलम को देखा। हर बार मुझे जो है ऐसी कहानी चाहिए होती जो मैंने नहीं की हो, जो मुझे करने के लिए एक्साइटमेंट लगे, जिसमें कोई ऐसा एरिया हो जो मैंने पहले नहीं एक्सप्लोर किया है। इसके लिए तो मैं आँखों के लिए ऐसा कुछ नहीं अलग से मेडिटेशन, बट मेडिटेशन तो आपका होता ही है। आप ज़िंदगी में जो है एक मेडिटेशन ऐसा भी होता है जो चलते फिरते मेडिटेशन होता है, जिसमें आपको अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 24 घंटे अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं, बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ही एक तरह का मेडिटेशन होता है जी। मदारी और जमूरे का देखिए ये एक स्टेटस गेम है। एक आदमी नचाता है, एक नाचता है। जमूरा नाचता है, मदारी नचाता है। तो हम सब कहीं ना कहीं कभी जमूरे होते हैं, कभी मदारी होते हैं। आप अपने ऑफिस में जाती हैं तो आप जमूरा हैं कि मदारी हैं, आपको पता होगा। बहुत बड़ा आश्रय है क्योंकि दे शेप द स्टोरी। एंड आप कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर लो, लोग परफॉर्मेंस देखने नहीं आते। लोग अच्छी फिल्म होती है तो परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं। और हम लोग उस तरह के लोग नहीं हैं जिनके के नाम पे सिर्फ जो है लोग पैसा खर्च करेंगे। जब तक कि हमारी फिल्म अच्छी नहीं होगी, लोग सुनेंगे नहीं, तब तक नहीं आते हैं। हम उतने फॉर्चुनेट नहीं है कि हम सिर्फ खड़े हो जाएँ आके और थोड़ा सा मटका किया एंड देन लोग पैसे फेंकने लगते हैं। हमें बहुत थोड़ा हमारी फिल्म तभी लोग देखते हैं जब उसमें कुछ होता है, और उसमें डायरेक्टर का सबसे बड़ा हाथ है। और इन लोगों ने मुझे शेप किया एक्चुअली एज एन एक्टर। मेरे डायरेक्टर्स अगर मुझे नहीं मिलते तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव अंडरस्टूड एक्टिंग द वे आई अंडरस्टैंड नाउ। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे इजी एक्टर हूँ इंडस्ट्री के। बाकी और लोग आपको कहीं ना कहीं कुछ इधर इधर खींचातानी चलती रहती है। अरे यार, मैं हमेशा कई जगहों पे ऐसा हुआ है यार रुको तो सही, बढ़िया बनेगा, वेट थोड़ा यकीन तो करो। बट वो यकीन इरफान भाई ने दिया। वाह, वो इसलिए क्योंकि वो इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। वाह, तो वो अपने क्राफ्ट में इतने मास्टर हैं। वो तभी पॉसिबल है ना कि यार वो आदमी आपको क्यों हर चीज़ की छूट दे रहा है, क्योंकि वो सीन को जानते हैं, वो उसके क्राफ्ट को जानते हैं, उसकी और ज़्यादा लेयरिंग बारीकियों को जानते हैं, और मज़ा आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम दोनों को जो मज़ा आया, सबको, मतलब राधिका, मैं, सब लोगों को जो मज़ा आया कि कू भाई वो अमेजिंग है। वो पूरे यूनिट को पूरे मज़े में शूट हुई है फिल्म, और पूरी रिस्पेक्ट के साथ शूट हुई है। जैसे जो दीनू और होमी और इन्होंने जो प्यार दिया इरफान भाई को, आप सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते।